हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 3। इसमें मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से हेयर स्ट्रॉ करता हूँ। सो ये तमन्ना भाटिया की मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। सो आज मैं हेयर्स पे वर्क करूँगा। सो हेयर स्ट्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो हम आउटलाइन ड्रॉ करते हैं यूजिंग HB पेंसिल और लाइट पेंसिल। सो मैंने मैकेनिकल पेंसिल से आउटलाइन ड्रॉ की है। उसके बाद मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो हमारी हेयर्स की स्ट्रोक्स है, जो डायरेक्शन है, जिस तरह हमारा हेयर्स का जो फ्लो है, मैं उसे ड्रॉ करूँगा। सो आप देख रहे हो वही मैं स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में हमारा हेयर्स का फ्लो है। सो मैं पूरे हेयर्स को, जो पूरा एरिया है, उसे उसी तरह से स्ट्रोक से कवर कर दूंगा और मुझे पता लग जाए कि हमारी हेयर्स की डायरेक्शन किस तरफ है और किस जगह पे मुझे डार्क रखना है, किस जगह हमारी लाइट स्ट्रोक्स हैं। सो मैं ये फर्स्ट लेयर भी अप्लाई कर रहा हूँ, फिर स्ट्रोक से आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा। और जो स्ट्रोक्स आप अप्लाई कर रहे हो वो काफ़ी केयरफुली आपको अप्लाई करनी है, बिल्कुल रेफरेंस में जिस तरह है सेम उस तरह से। सो आप देख रहे हो मैंने स्ट्रोक्स सारी अप्लाई कर दी है लगभग। तो आपको इसी तरह से स्ट्रोक्स अप्लाई करनी है। और ड्राइंग करते वक्त आपको अपने हैंड के नीचे पेपर जरूर रखना, नहीं तो आपकी जो ड्राइंग है वो डर्टी हो सकती है। सो मैंने हेयर्स के जो स्ट्रोक्स है वो अप्लाई कर दी है और हमें हेयर्स की डायरेक्शन का भी पता चल गया है। सो अब सेम इन्हीं स्ट्रोक्स के ऊपर मैं डार्क ग्रेड्स की पेंसिल यूज़ करूँगा। सो आज मैं जो ड्रॉ करूँगा उससे पहले मैं इन स्ट्रोक्स को ब्लेंड कर दे रहा हूँ। सो मैं ओवरऑल पूरी ब्लेंडिंग कर दूंगा यूजिंग मेकअप ब्रश। और मैं आज यूज़ करूँगा चारकोल पेंसिल्स हेयर ड्राइंग के लिए, जो कि है जनरल्स की। सो मैं सबसे पहले यूज़ कर रहा हूँ 4B। सो ये 4B ग्रेड है, आप देख सकते हो। सो इसे मैं अप्लाई करूँगा। सो जहाँ जहाँ हमारी डार्क एरियाज हैं, डार्कर टोन्स हैं, वहाँ मैं इसे अप्लाई करूँगा और फिर ब्रश की हेल्प से इसे ब्लेंड कर दूँगा। सो इसी तरह से मैं पूरा प्रोसेस के हिसाब से शेडिंग कर रहा हूँ। जो मेरा प्रोसेस है, जो मैं यूज़ करता हूँ, सेम मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आप प्रोसेस बाई प्रोसेस चलोगे तो आपके मिस्टेक्स के चांस भी काफ़ी कम रहते हैं और आपको काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट्स भी मिलते हैं। सो जैसे मैंने फ्रंट में अप्लाई की चारकोल की 4B, सेम उसी तरह मैं साइड में भी चारकोल की 4B अप्लाई कर रहा हूँ और ब्रश से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। सो सेम जैसे मैंने ओवरऑल मैकेनिकल पेंसिल से स्ट्रोक्स अप्लाई की थी, अब सेम मैं जहाँ जहाँ हमारे डार्कर एरियाज हैं, मैं उसके ऊपर 4B पेंसिल, जो कि चारकोल है जनरल्स की, उसे अप्लाई कर दे रहा हूँ। सो आपको भी, अगर आप हेयर ड्राइंग्स कर रहे हो तो आपको स्ट्रोक्स काफ़ी ध्यान देना है और लेयर बाय लेयर वर्क करना है। पहले लाइट पेंसिल्स यूज़ करनी है, फिर डार्क। जैसे मैंने यहाँ पे लाइट पेंसिल पहले यूज़ की मैकेनिकल, जिससे मुझे स्ट्रोक्स का पता चला, और फिर मैंने ब्लेंडिंग करने के बाद चारकोल यूज़ की डार्क ग्रेड्स की पेंसिल, और फिर मैं इसे भी ब्लेंड करूँगा। सो आप देख रहे हो मैंने ओवरऑल पूरे एरिया पे चारकोल अप्लाई कर दिया है। जो फ्रंट की कुछ लेयर्स हैं हेयर्स की, वहाँ पे भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ। और आप चारकोल को अगर शार्प करो तो काफ़ी केयरफुली करो, या फिर आप नाइफ या ब्लेड से उसे शार्प कर सकते हैं। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप जरूर फॉलो कर लें। सो अब मैं ब्लेंडिंग कर दे रहा हूँ। जो मैंने चारकोल अप्लाई किया उसे मैं ब्लेंड कर दूंगा तो हमें और डार्कर रिजल्ट्स मिलेंगे। सो जहाँ हमारे डार्क एरिया से हेयर्स का, वो रेफरेंस पे जितनी डार्कनेस है सेम वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप एक दो और लेयर्स अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको और स्मूथनेस मिलेगी और जो आपकी टोन्स है वो प्रॉपर टोन्स आपको मिल जाएगी। सो मैं जहाँ डार्क एरिया से वहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, सो मुझे डार्कर एरियाज मिल जा रहे हैं।
सो इसी तरह से आपको वर्क करना है, प्रोसीड करना है। और यहाँ पे आप देख रहे हो मैं चारकोल पाउडर अप्लाई कर रहा हूँ कुछ एरियाज पे जहाँ मुझे लग रहा है कि और डार्कनेस होनी चाहिए। ये चारकोल पाउडर मैंने रेडीमेड यूज़ नहीं किया, मैं अभी जब जनरल चारकोल यूज़ कर रहा था तो मेरा पॉइंट ब्रेक हो गया, आप देख रहे हो इस तरह। सो मैंने उसे यूज़ करने के लिए पेपर पे रब करके और फिर ब्रश की हेल्प से अपनी ड्राइंग पे अप्लाई किया। सो ये पेंसिल्स काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, सो अगर ये ब्रेक हो जाती है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, सो हम इसे इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो अगर बाई चांस आपकी पेंसिल कभी ब्रेक हो जाए तो उसे आप थ्रो मत करो, उस पॉइंट को भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से चारकोल पाउडर क्रिएट करके। सो इस तरह से हम अपने ड्राइंग मटेरियल्स का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं और वो काफ़ी कम वेस्ट भी होंगे। सो मैं फिर से लेयर अप्लाई कर रहा हूँ, बट इस टाइम मैं लेयर अप्लाई कर रहा हूँ 6B सॉफ्ट पेंसिल की जो कि जनरल्स की है। पहले मैंने 4B अप्लाई की थी, सो मैं 6B अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और डार्कर एरियाज चाहिए। सो रेफरेंस में जहाँ जहाँ डार्क एरियाज है वहाँ मैं 6B अप्लाई कर रहा हूँ। सो ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, काफ़ी जल्दी ब्रेक हो जाती है, सो आपको काफ़ी केयरफुली इसे शार्प करना है। जैसे मैंने पहले कहा आप नाइफ यूज़ कर सकते हो, और अगर बाई चांस ये ब्रेक भी हो जाए तो आप उस पॉइंट को भी पेपर पे रब करके एस चारकोल पाउडर यूज़ कर सकते हो फेशियल शेडिंग के लिए या फिर जहाँ भी आप चाहो। सो 6B को अप्लाई करने के बाद मैं इसे ब्रश के साथ ब्लेंड कर दे रहा हूँ यूजिंग मेकअप ब्रश। और हेयर स्ट्रॉ करने के बाद मैं ओवरऑल फिर से फेस की पूरी एडजस्टमेंट करूँगा जो कि टोन्स हैं, क्योंकि हेयर्स काफ़ी जब डार्क हो जाते हैं तो हमें फेस की वैल्यूज पर भी वर्क करना पड़ता है ताकि जो हमारा स्केच है पूरा ओवरऑल बैलेंस नज़र आए। क्योंकि अगर हम हेयर्स ज़्यादा डार्क कर देते हैं तो फेस काफ़ी लाइट हो जाता है, सो वो एक अलग से इफेक्ट नज़र आता है जो कि रियलिस्टिक नहीं लगता। सो हमें हेयर स्ट्रॉ करने के बाद फिर से एक लेयर सप्लाई करनी चाहिए, एक या दो लेयर्स हमारी रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका जो फेस स्किन और हेयर से दोनों में ब्लेंडिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आपको काफ़ी रियल इफेक्ट मिल पाएगा। सो मैंने ब्लेंड कर दिया है 6B को भी। सो आप देख रहे हो कि जो रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छा मिल रहा है, हम प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहे हैं और लेयर्स में वर्क कर रहे हैं, और जहाँ भी मुझे लग रहा है कि और ब्लेंडिंग चाहिए और स्मूथनेस है सो वहाँ मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। और अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 2B पेंसिल जो लाइट होती है ज़रा, 6B काफ़ी डार्क, 4B उससे कम, और ये ज़रा लाइट होती है उन दोनों के कंपेरिजन। तो इसे मैं उन एरियाज पे अप्लाई कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे पेपर की वाइट नज़र आ रही है। तो ये लाइट होती है ज़रा, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब डार्कर ज़्यादा रिजल्ट नहीं चाहिए, जो वाइट वैल्यूज है उन पर मैं सिर्फ इसे अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये है 2B, तो इसे भी अप्लाई करने के बाद मैं ब्लेंड कर दूँगा। सो मैंने काफ़ी लेयर्स अप्लाई की है, सो ब्लेंड करने के लिए मैं सॉफ्टली ज़्यादा प्रेशर के साथ अप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी जेंटल तरीके से मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। सो आप देख रहे हो ओवरऑल हमारी ड्राइंग लगभग फिनिश हो गई है, बट यहाँ पे अभी हमारी हाइलाइट्स और डिटेलिंग कुछ जो फिनिशिंग टच होता है वो रह रहा है, सो वो मैं अप्लाई करूँगा। और हल्का फुल्का जो ब्रश पे चारकोल लगा हुआ है मैं उसे फेशियल शेडिंग कर दे रहा हूँ। ऐसे ही फेशियल शेडिंग में एक बार फिर से लेयर अप्लाई करूँगा, और अब साइड में जो हमारी लाइंस एक्स्ट्रा है जिसे इरेज करने की ज़रूरत है उसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ यूजिंग कोहिनूर पेंसिल इरेजर। और अब मैं जो हमारी हेयर्स में हाईलाइट है सो मैं रेफरेंस को ऑब्जर्व करूँगा कि किस एरियाज पे हमारी हाईलाइट्स हैं, तो उसे मैं टॉम्बो मोनो 0 इरेजर या पेंसिल इरेजर, नीटेड इरेजर कुछ भी यूज़ करके वो हाइलाइट्स को अचीव कर सकते हैं। सो हाइलाइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी ड्राइंग्स को रियलिस्टिक बनाने के लिए, तो इससे आपको पता लगता है कि हमारी लाइट कहाँ से आ रही है, किस एरियाज पे पड़ रही है। सो उसी से जो आपका 2D जो होता है वो आपको 3D फॉर्म में क्रिएट होता है और आपको काफ़ी रियलिस्टिक और 3D रिजल्ट्स मिलते हैं। सो मैंने हाइलाइट्स भी लगभग
कंप्लीट कर ली है। और हाइलाइट्स के बाद मैंने उसे क्लीन कर दिया है और इस तरह का हमें रिजल्ट मिला है। बैकग्राउंड मैं आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाया, सो बैकग्राउंड ड्रॉ करने के बाद मैंने ये नीचे भी हाइलाइट्स की, हेयर्स की जो आप देख सकते हो जो नीचे से निकले हुए हैं। सो यही था आज की वीडियो में, हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल में। सो आई होप कि आपको ये काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।